कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच हमीरपुर स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी को दूर किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग हमीरपुर ने प्रदेश सरकार से 100 ऑक्सीजन सिलेंडरों की डिमांड भेजी है। तो वहीं पिछले कुछ दिनों में निकटवर्ती निजी अस्पतालों व PHC से भी ऑक्सीजन सिलेंडरों को मंगवाया गया है ताकि कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से न जूझना पड़े। हमीरपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी RK अग्निहोत्री ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है और उपचाराधीन मरीजों की भी देखभाल के लिए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी RK अग्निहोत्री ने बताया कि हमीरपुर जिला में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी को दूर करने के चलते ही 100 अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडरों की डिमांड प्रदेश सरकार को भेजी है जो कि जल्द ही आ जाएंगी। उन्होंने बताया कि हमीरपुर में 72 कोविड मरीज कोविड केयर सेंटरों में उपचाराधीन हैं जिनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। व्यवस्था थोड़ी सिलेंडरों की कर रहे हैं, वो हो रही है। हमने फील्ड से भी सिलेंडर मंगवा लिए है और गवर्नमेंट को भी हमने 100 सिलेंडरों का लिख दिया। हमारी सूचना के अनुसार जो है वहाँ पे 44 तो बड़े टाइप जिनको डी टाइप बोलते हैं, 44 के पास डी टाइप सिलेंडर है और 108 के करीब छोटे सिलेंडर जिनको बी टाइप बोलते हैं। ये तो उनका अपना ही है स्टोर है। उसके अलावा जैसे कि एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर होता है मशीन है, वो भी उनके पास काफ़ी हैं, 20-22 मशीनें वो भी पड़ी हुई हैं, उनके माध्यम से भी ऑक्सीजन दी जाती है। इसके अलावा फील्ड में हमारे पास तो छोटा सिलेंडर होता है, क्योंकि हमारे PHC में कम ऑक्सीजन लगती है तो वहाँ पर छोटे सिलेंडर हैं, वो भी हमने मंगवा के उनको दे दिए थे परसों रात को, लगभग 14-15 के करीब छोटे सिलेंडर। और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जैसे साई हॉस्पिटल है, आस्था हॉस्पिटल है, हमीर हॉस्पिटल है, इन लोगों ने भी हमारी सहायता की थी और लगभग 7 सिलेंडर जो था मैंने डी टाइप इनको ये भी दे दिए थे परसों रात को ही। और आज भी हमने, कल भी हमने जो है इंडस्ट्री से सिलेंडर मंगवा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ आने वाले हैं। तो जैसे ही आ जाते हैं आज इनको भी, मेरे को ऐसे उम्मीद है कि 10 से 15 सिलेंडर हमारे पास आज फिर हो जाएंगे, इनको भी हम मंडी जो है भरवाने भेज रहे हैं। ऑक्सीजन काफ़ी बनती है हिमाचल में, लेकिन सिलेंडरों की जो दिक्कत एकदम आई है उसको भी हम सुलझा रहे हैं, फिलहाल ऐसी कोई कमी नहीं है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने से आ रही बिस्तरों की कमी पर डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने कहा कि बिस्तरों की कमी को दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है और मुख्यालय पर ही आयुर्वेदिक अस्पताल के नए व पुराने भवन को भी कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया है। साथ ही DCC सलासी में भी मरीजों का इलाज चल रहा है। बेड की कमी जैसे पूरे देश में हो रही है, यहाँ भी थोड़ी सी बीच में थोड़ा सा लग रहा था, तो DC मैडम ने जो पूरा हॉस्पिटल ही जो दोनों बिल्डिंगें जो है वो दे दी हुई हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, ताकि उसमें DC SC जो है वो चलाएं। पहले नई बिल्डिंग थी, अब पुरानी बिल्डिंग जो है वो भी दे दी हुई है। और उसमें अभी आज सुबह की रिपोर्ट जो थी उसमें 72 हमारे पेशेंट जो थे वहाँ पे दाखिल हैं और इनको, और ये कहा गया कि लगभग 100 के करीब यहाँ किए जाएँ। इसी के साथ जो है हम बाकी जगह भी देख रहे हैं, आज शाम को जैसे फिर उतरे वो और जगह जहाँ पे ज़्यादा लोग हम रख पाएँ उस जगह को आइडेंटिफाई करके आज बताएं, ताकि हम आने वाले टाइम में 5-4 दिनों में और 100-150 पेशेंट्स की अब उनकी रहने की हॉस्पिटल रहने की व्यवस्था कर। अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि गत दिवस तक हमीरपुर में 1,282 कोविड के एक्टिव मामले आए थे, जिसमें से 1,204 लोग होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। और जिस तरह की सरकार के निर्देश हैं और हमारा भी प्रयास है कि अगर जो आदमी घर पे रहता है, होम आइसोलेशन जिसको कहते हैं, उसमें रह सकता है तो ज़्यादा अच्छा है। जो पिछले कल का आंकड़ा था उसमें 1,282 लोग हमारे पास एक्टिव केस थे, तो उसमें से 1,204 लोग जो हैं वो होम आइसोलेशन में ही हैं और 62 थे जो वो DCSC में थे, हॉस्पिटल में थे, 10 जो थे हमारे बाहर गए थे DCH में। तो इस तरह से ये लोग जो हैं ज़्यादातर घरों में रख रहे हैं। तो सरकार का भी यही निर्देश है, प्रयास है कि घर पे जो है हमारी टीम में जाएं। तो पिछले 4-5 दिनों से हमने ऑर्डर कर दिए हैं, DC मैडम ने भी ऑर्डर किए थे कि होम आइसोलेशन पे जो लोग रह रहे हैं उनकी डेली फ़ोन कॉल हो और हर मेडिकल अफसर जब उनको कॉल करे और उनका हालचाल पूछे, अगर जिसकी कोई दवाई की ज़रूरत है उसको पहुंचाए वहां पे। तो ये प्रक्रिया चल पड़ी है, शुरू हो गई है। शाम को 5-6 बजे हमारी जो है रिपोर्ट आती है हर PHC से, हर डॉक्टर से, BMO के माध्यम से, कि
कितने उन्होंने फोन कॉल किए और किसकी क्या प्रॉब्लम है। इसी के साथ सरकार का दूसरा निर्देश है कि एक ब्लॉक लेवल पे सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग कमेटियां बनाई जाएं, जिसमें एक डॉक्टर होगा, एक नर्स या फार्मासिस्ट है। वो कमेटियां भी पिछले कल से बन गई हैं, तो इस तरह से हम उस पर मॉनिटरिंग दो तरीके से कर रहे हैं, एक मेडिकल अफसर के माध्यम से टेलीफोनिकली और एक ब्लॉक मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन कमेटी। और एक ये जो ब्लॉक की सुपरविजन कमेटी होगी, ये अपने साथ किट भी रखेगी दवाइयों का। जिस आदमी को किट की या दवाई की ज़रूरत है, उसको दवाई उसी ऑन द स्पॉट ही देगी वो। वो कम से कम एक कमेटी या ब्लॉक लेवल की कम से कम 10 घरों में जो है वो प्रतिदिन जाएगी।